नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। कोरोना महामारी के चलते बंद किए गए करतारपुर साहिब कॉरिडोर आज से फिर खोला जाना है। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा था कि मोदी सरकार ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को 17 नवंबर से दोबारा खोले जाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, मोदी सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में सिख तीर्थ यात्रियों को फायदा होगा। वहीं एक और ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि देश 19 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का पर्व मनाने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार के इस फैसले से देश भर में आनंद में बढ़ोतरी होगी। हालांकि मार्च में 2020 में आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पहले ही कॉरिडोर खोल दिया था और हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी गृह मंत्री से मुलाकात करके करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। यही नहीं, श्रोमणी अकाली दल नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यही मांग की थी। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू भी करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग उठाते रहे हैं। तो ऐसे में आखिरकार आज करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया जाना है। और ऐसे में आपको बता दें, गृह मंत्री की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी थी, कोरोना की वजह से 2020 में करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर दिया गया था। लेकिन आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से पहले ही करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया गया था, लेकिन भारत की तरफ से आज करतारपुर कॉरिडोर को खोला जाएगा।